हेलो एवरीवन, दिस इज विपिन हियर। आई एम अगेन कम बैक विद माय न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल एजुकेशन हाइक। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 8 सिविक्स अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सभी कंट्रियों में दो ही मॉडल पे वो कंट्रियाँ बेस्ड हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रियाँ आपकी हैं, वो सारी की सारी कंट्रियाँ दो ही मॉडल पे बेस्ड हैं। एक आपका है सेकुलरिज्म और दूसरा आपका है कम्युनलिज्म। ठीक, तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या कहते हैं, इन दोनों मॉडल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है और कम्युनलिज्म क्या है। ठीक, देखिए, सेकुलरिज्म मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेट नहीं किया जाता है। कहने का ये मतलब है कि जिन भी देशों में सेकुलर मॉडल अडॉप्ट किया जाता है, उन देशों में किसी भी एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता है। मींस उस देश में जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, सभी रिलीजन्स के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे किसी भी एक रिलीजन को क्या कहते हैं, नेशनल रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी जाती है। कहने का ये मतलब है कि कोई भी उस देश में जहाँ पे सेकुलर मॉडल होता है, उस देश में किसी भी एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता है। ठीक, वहाँ पे सभी धर्म के लोगों को एक बराबर माना जाता है, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया है। ओके, और जो ऐसी कंट्री है जहाँ पे कम्युनलिज्म मॉडल होता है, यानी कि ऐसी कंट्री है जो कम्युनल मॉडल पे बेस्ड होती हैं, उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में एक ही धर्म का प्रचार प्रसार होता है, उसी धर्म को, उसी पर्टिकुलर रिलीजन्स को अदर रिलीजन्स पे डोमिनेट किया जाता है, जैसे कि सऊदी अरबिया। और ये जो कम्युनल मॉडल पे जो कंट्रियाँ होती हैं, ये सारी की सारी कंट्रियाँ रिलीजन के बेसिस पे रिकॉग्नाइज होती हैं, मतलब कि धर्म से भी उन देशों की पहचान होती है। जैसे कि सऊदी अरबिया इज़ इस्लामिक कंट्री, ये बोला नहीं जाता कि सऊदी अरबिया एक इस्लामिक कंट्री है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि हाँ, सऊदी अरबिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस्लामिक धर्म के हैं, मीन्स वो एक कम्युनल मॉडल पे बेस्ड कंट्री है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज था मैं आपको देना चाहता था सेकुलर और कम्युनल से रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं। इमेजिन योर सेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। आप इमेजिन करिए कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और आप क्या कहते हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, और आप सभी को पता है कि अमेरिका एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पर क्रिश्चियन मेजोरिटी में है। ठीक, और उन्हीं क्रिश्चियंस के पास ही फंडामेंटल पावर्स भी हैं। सपोज दैट डिस्पाइट बींग अ US सिटीजन, नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। ठीक, आप हिंदू मुस्लिम हैं और आप US में गए हैं, वहाँ पे आप रेंट पर रूम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको रेंट पर रूम नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। अगर आप क्रिश्चियन होते तब तो आपको रेंट पर रूम मिल जाता, लेकिन आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, इसलिए आपको वहाँ पर रेंट पर रूम नहीं मिल रहा। आगे, हाउ वुड दिस मेक यू फील, वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटमेंट। आप इस पर्टिकुलर चीज़ के, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। ओके, और इसके बाद ये कह रहा है कि वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटमेंट, और क्या कहते हैं, ये आपको बेचैन नहीं कर रहा। रिसेंटफुल का मतलब यहाँ पे है बेचैन। ठीक, रिसेंटफुल का मतलब यहाँ पे क्या है, बेचैन। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या ये चीज़ें आपको कैसा फील कर रही हैं, और क्या ये चीज़ें आपको बेचैन नहीं कर रही हैं। आगे चलते हैं। What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? अब इस discrimination की complaint आप किससे करेंगे, या आप अपने देश भारत वापस लौटाएंगे। ठीक, आगे, would this not make you feel angry? क्या ये चीज़ें आपको गुस्सा नहीं दिला रही हैं। ठीक, आगे देखते हैं। Your anger could take two forms. आपका जो गुस्सा है वो दो चीज़ों में बदल सकता है। पहला, फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाई सेइंग द क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन द प्लेस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम आर इन मेजॉरिटी। पहली चीज़ आप ये कहेंगे कि US में ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के लोग मेजॉरिटी में हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन के जो भी लोग हैं, ठीक, उनको क्या कहते हैं, इक्वली ट्रीट ना किया जाए। ठीक, ये पहला आप कहेंगे, पहला ऐसा आप कुछ करेंगे। मतलब कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जो US है, जो अमेरिका है, वहाँ पर जिन भी पर्टिकुलर एरियाज़ में हिंदू मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में रह रहे हैं, आप उन एरियाज़ में क्रिश्चियंस को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उनको डोमिनेट करेंगे। ठीक, पहला तो आप ये करेंगे एक प्रकार, और दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, ये एक प्रकार का क्या होगा, प्रतिशोध होगा। रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रतिशोध। ओके, आगे, और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। या तो फिर आप क्या करेंगे कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे और ये कहने की कोशिश करेंगे कि प्लीज़ रिलीजियस, एक पर्टिकुलर रिलीजियस को डोमिनेट ना करिए, सभी पर्टिकुलर रिलीजियस को इक्वली ट्रीट करिए। ठीक है, जस्टिस फॉर ऑल। ओके, आगे, यू मे फाइट
you may fight stating that no one should be discriminated against on ground of their religious practice and belief. और आप इसके अगेंस्ट में फाइट करोगे कि रिलीजियस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो बेहतर है. दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द अजम्पशन दैट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजियस शुड एंड. और आप ये चाहोगे कि रिलीजियस से रिलेटेड जो डोमिनेशन है वो सभी चीज़ें ख़त्म हो. ठीक, दिस इज एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म. यही है आपका सेकुलरिज्म. मैंने बताया आपसे सेकुलरिज्म क्या है. सेकुलरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा पर्टिकुलर मॉडल जिसमें सभी रिलीजन्स के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है. इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन्स को डोमिनेट नहीं किया जाता. ओके, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यही जानेंगे सेकुलरिज्म के बारे में और भी अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे. चलते हैं आगे. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन इन द इंडियन कंटेंट. इंडिया में वाकई में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है और हम क्या कहते हैं और भी पर्टिकुलर अदर कंट्रीज़ का ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे सेकुलर और कम्युनल मॉडल से रिलेटेड टॉपिक्स पे. ठीक, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सपोज करें जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, जब भी आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, हम बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं जो हमें डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताती है. यू हैव रीड अबाउट हाउ जूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियन वर किल्ड. देखिए जब आप क्लास नाइन्थ में जाएंगे या आपने स्टोरी के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से हिटलर ने ज्यूज़ के लोगों को मारा था. ठीक है, जर्मनी में जो हिटलर था, ग्रेट डिक्टेटर, किस तरीके से, ग्रेट नहीं कह सकते हैं, सबका अपना ओपिनियन होता है. ठीक है, लेकिन जर्मनी में जो क्या कहते हैं हिटलर था, उसने किस तरीके से ज्यूज़ के लोगों को मारा था, क्यों मारा था, उसके पीछे अपनी उसकी घृणा थी. ज्यूज़ के लोग अलग रिलीजन के थे और ये लोग अलग रिलीजन के थे. ठीक है, तो रिलीजन के बेसिस पे वो उनको डिस्क्रिमिनेट करता था, इसीलिए वो उनकी मास किलिंग कर रहा था. आप लोग जब क्लास नाइन पहुँचेंगे तो क्लास नाइन में जो चैप्टर नंबर 3 है नाजिज्म, ठीक है, राइज ऑफ नाजिज्म, उसमें आप इस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. यहाँ पर थोड़ा सा ही दिया गया, बस इतना बता दिया गया है कि हिटलर ने मास किलिंग की थी. किसकी? ज्यूज़ की. ज्यूज़ एक अलग रिलीजन था, एक अलग कम्युनिटी था आपके जर्मनी में. कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रिलीजियस के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था. आगे चलते हैं. नाउ हाउएवर द जोविश स्टेट ऑफ इसराइल ट्रीट इट ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्विट बैडली. इसराइल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्यूज़ हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ की ज्यूज़ कम्युनिटी की है, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम और क्रिश्चियन के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बहुत ही बैडली तरीके से उनको ट्रीट करते हैं. मीन्स बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे फील्ड्स में उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट कम्युनिटी के हैं. अब देखिए थर्ड स्टोरी है वो जानते हैं. इन सऊदी अरबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर. कह रहा सऊदी अरबिया एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पे जो भी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे उन सभी को टेम्पल और चर्च बनाने की कोई भी परमिशन नहीं है और वो किसी भी पब्लिक प्लेस में गैदर होकर प्रेयर्स वगैरह नहीं कर सकते हैं. मीन्स पब्लिकली वो अपने रिलीजियस को प्रमोट नहीं कर सकते हैं. ठीक, तो इन 3 स्टोरीज को पढ़ के आपको क्या समझ में आया? क्या इन तीनों कंट्रीज़ में सेकुलर मॉडल था? बिल्कुल भी नहीं. इन तीनों की तीनों कंट्रीज़ की स्टोरी पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे जिस मॉडल पे कंट्री बेस्ड है वो है आपका कम्युनल मॉडल. मीन्स एक ही पर्टिकुलर रिलीजन्स को डोमिनेट किया जा रहा है अदर रिलीजन्स पे. ठीक, आगे चलते हैं. इन ऑल ऑफ अबव एग्जांपल मेंबर्स ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी आइदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़. देखिए इन सभी एग्जांपल्स को पढ़ के हमें यही समझ में आ रहा है कि एक रिलीजन्स के जो लोग हैं वो अदर रिलीजन्स के लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं उनको, बहुत सारे हर एक पर्टिकुलर फील्ड में उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. ठीक, मीन्स ये पर्टिकुलर कंट्री आपके किस मॉडल पे बेस्ड है? कम्युनल मॉडल पे बेस्ड है. अगर ये कंट्रियाँ सेकुलर मॉडल पे बेस्ड होती तो वहाँ पे सभी रिलीजन्स के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता, लेकिन कम्युनल मॉडल पे है इसलिए केवल एक पर्टिकुलर सिंगल रिलीजन को प्रोपोगेट किया जा रहा है, प्रोफेस किया जा रहा है और उसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग अदर कम्युनिटीज़ के लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं. ठीक, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. ओके, आगे. दीज एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजियस इज गिवन ऑफिशियली रिकॉग्निशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन. देखिए ये कब होता है? ऐसी चीज़ तब होती है जब उस देश का कानून किसी एक धर्म को क्या कहते हैं
ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दे दे। ठीक, ऐसा तब होता है जब उस देश का जो कानून होता है वो किसी एक धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दे दे। ऐसा देने के बाद क्या होता है कि वो पर्टिकुलर रिलीजन अदर रिलीजन के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। अभी जब ये क्लास पर्टिकुलर ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बता दिया कि जो कम्युनल मॉडल पे कंट्रियाँ बेस्ड होती हैं उन कंट्रियों में क्या क्या करते हैं कि रिलीजियस के बेसिस पे कंट्रियाँ जानी जाती हैं, मतलब धर्म के आधार पर देश को जाना जाता है। जैसे मैंने बताया कि सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ज़्यादातर लोग किस धर्म के हैं, इस्लामिक। तो ये कैसी कंट्री हो गई, कम्युनल मॉडल पे बेस्ड कंट्री हुई। क्लियरली नो वन वुड बी टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेन बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाई अदर रिलीजन। ठीक, आगे इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। क्या इंडिया में भी ऐसा होता है रिलीजियस के बेसिस पे सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में हम आगे जानते हैं। ठीक, वाट इज सेकुलरिज्म, अब आइए सेकुलरिज्म के बारे में जानते हैं। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू read about how the Indian constitution contained fundamental rights that protect such again state power as well as against the tyranny of the majority। देखिए अभी इसके पहले चैप्टर में जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क था, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने ये पढ़ा रहा होगा कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया है, हमें फंडामेंटल राइट दिया है और कैसे हमें स्टेट पावर से भी बचाता है और जो आप क्या कहते हैं मेजॉरिटी की मेजॉरिटियों का जो अत्याचार है उससे भी वो हमें प्रोटेक्ट करता है। टायरनी का मतलब होता है अत्याचार। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो आप क्या कहते हैं जो भी कम्युनिटीज़ के लोग मेजॉरिटी में हैं ज़्यादा संख्या में हैं उनके क्या कहते हैं प्रतिशोध से भी बचाता है, इसके बाद गवर्नमेंट की पावर से भी बचाता है और हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में पढ़ा, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सेकुलरिज्म के बारे में जानेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन बिलीव एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये अलाउ करता है कि हमारी पर्टिकुलर कंट्री में कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, स्टेट के द्वारा या कंट्री के पावर के द्वारा ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ वो किसी मतलब एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहे। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकता है और उसका खुलकर पूरी तरीके से प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं ये बताती हैं कि हमारा देश एक सेकुलर मॉडल पे बेस्ड है। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता, यहाँ पे सभी पर्टिकुलर रिलीजियस को इक्वली ट्रीट किया जाता है। इन कीपिंग विद दीज आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये कम्युनल मॉडल सेकुलर मॉडल तो हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया ही था, उसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि स्टेट की पावर से रिलीजन की पावर को बिल्कुल अलग रखा जाएगा। मीन्स स्टेट की पावर और रिलीजन की पावर को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, हमारी जो पर्टिकुलर कंट्री है ये क्या कहते हैं रिलीजियस के बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं किए जाएंगे। ठीक, कभी ये आपने कहते नहीं सुना होगा कि क्या कहते हैं आपका जो पर्टिकुलर कंट्री है, हमारी कंट्री जो इंडिया है, ये एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र है या कोई ऐसे। ठीक, ये बोला जाता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब कि सभी धर्म को यहाँ पे एक बराबर से ट्रीट किया जाता है। अब देखिए इस पर्टिकुलर पेज का जो लास्ट लाइन है वो ये कहता है सेकुलरिज्म रिफर्स टू दी सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, दैट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि रिलीजियस को स्टेट की पावर से अलग रखना, रिलीजियस को स्टेट की पावर से अलग रखना और सभी धर्म के लोगों को, सभी जात सभी धर्म के लोगों को एक बराबर मानना। तो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल पे भी आप नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सेकंड थिंग, जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आए या कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन करिएगा। ओके, बाय।